हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एप्पल आईपैड मिनी 5 के बारे में और बात करेंगे इसकी प्राइसिंग की, इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, इसका रिव्यू करेंगे और कंपेयर करेंगे आईपैड 10.2 8 जेन के साथ। और मैं आपको बताऊंगा कि आपको ये आईपैड मिनी 5 क्यों लेना चाहिए और क्यों नहीं लेना चाहिए। और खासकर बात करेंगे पबजी एंड स्ट्रीमिंग के बारे में। तो विदाउट एनीथिंग अडो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले करते हैं आज इसकी अनबॉक्सिंग। तो ये रहा हमारा ब्रांड न्यू फुल्ली पैक्ड आईपैड मिनी 5 जिसे मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। ये रहा इसका बिल, इसको साइड में रखते हैं। मैं आपको इसकी क्विक कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसमें है A12 बायोनिक चिप विद न्यूरल इंजन सपोर्ट कपल्ड विद 3 GB ऑफ रैम एंड 64 GB इंटरनल। मैंने वाईफाई एडिशन लिया है और ये मैंने ग्रे कलर में मंगवाया है। यह है एप्पल की ऑफिशियल सील जो कि देखने में ऐसी लगती है। चलिए इसको ओपन करते हैं। इसको ओपन करने का भी एक अपना अलग मजा है। तो ये रहा हमारा एप्पल आईपैड मिनी 5 फुली कवर्ड इन प्लास्टिक। इसका बैक ग्रे कलर का है जो कि एल्यूमिनियम अलॉय से बना है जो इसे प्रीमियम लुक देता है। ये रहा न्यूटन का खाया हुआ आधा एप्पल। इसको रखते हैं साइड में और बाकी देखते हैं इसके साथ बॉक्स में क्या क्या है। ये रही 1 मीटर लॉन्ग USB टू लाइटनिंग केबल जिसकी क्वालिटी डिसेंट है। ये रहे डॉक्यूमेंट जो कि हम हर बार की तरह नहीं पढ़ने वाले हैं। ये रहा 2 पीस पावर अडेप्टर जो कि 12 वाट का है जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। चलो आईपैड मिनी 5 को ओपन करते हैं। इसकी डिस्प्ले 7.9 इंच की है, रेजोल्यूशन 2048x1536 है। डिस्प्ले की DPI 326 है जो 500 निट्स तक सपोर्ट करती है। इसे फटाफट ऑन कर लेते हैं। ये रहा सेटअप विज़ार्ड। इसका डिस्प्ले फुल्ली लैमिनेटेड है जो कि एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग के साथ आता है। इसकी रिफ्लेक्टिविटी 1.8% है। इसकी डिस्प्ले P3 गामा गैमेट एंड ट्रू टोन जैसी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करती है। हमारा डिवाइस सेटअप हो चुका है। जब आप पहली बार इसे ओपन करते हैं तो आपको इसमें आउट ऑफ द बॉक्स आईपैड OS वर्जन 13.6 देखने को मिलता है। बट आईपैड OS 14 का अपडेट नोटिफिकेशन जल्दी आ जाता है। आईपैड OS 14 बहुत इम्प्रूव एंड फुल ऑफ फीचर्स OS है एज कम्पेयर टू 13। टॉप में 2 माइक हैं जिसकी हेल्प से आप वीडियो कॉलिंग फेस टाइम कर सकते हैं, जिसमें कि एक नॉइस कैंसिलेशन माइक है। टॉप में 3.5mm जैक है, पावर बटन है। इसका हेडफोन साउंड आउटपुट बहुत ज़्यादा लाउड है एज कम्पेयर टू स्मार्टफोन। राइट साइड में वॉल्यूम कीज एंड फ्रंट में टच ID सेंसर है। इसमें फ्रंट में 7 MP कैमरा है जिससे आप 1080p वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। रियर में 8 MP कैमरा है जिसे आप डॉक्यूमेंट स्कैनिंग में अच्छा यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आईपैड मिनी 5 एंड आईपैड 8 जनरेशन के बारे में। देखेंगे इन दोनों के बीच का डिफरेंस और आपको कौन सा लेना चाहिए, किस पर्पस के लिए लेना चाहिए। सबसे बड़ा नोटिसेबल डिफरेंस इसकी डिस्प्ले में है। आईपैड मिनी 5 की डिस्प्ले 7.9 इंच की है, वहीं आईपैड 8 जेन की डिस्प्ले 10.2 इंच की है। बट आईपैड मिनी 5 की डिस्प्ले फुली लेमिनेटेड है, एंटी रिफ्लेक्टिव है जिसकी रिफ्लेक्टिविटी 1.8% है। ये ट्रू टोन एंड गामा गैमेट P3 को भी सपोर्ट करती है और इसकी पिक्सल
डेंसिटी 326 ppi है, वहीं iPad 10.2 में ये फीचर्स अवेलेबल नहीं है और उसकी डिस्प्ले डेंसिटी 264 ppi है, जिसकी वजह से कलर उतना ज़्यादा शार्प नहीं दिखते हैं iPad 8 Gen पे। इन दोनों iPad के डिस्प्ले की ब्राइटनेस 500 nits है, जो कि सेम है। iPad mini 5 की डिस्प्ले में टू टोन जैसा फीचर देखने को मिलता है, जो डिस्प्ले के टेम्परेचर को ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है अकॉर्डिंग टू रूम लाइटिंग, जिससे आपकी आईज पर कम इफेक्ट पड़ता है जब आप रीडिंग या फिर मूवीज देख रहे होते हैं। अब बात करते हैं इन दोनों की परफॉर्मेंस की, क्या है इन दोनों की परफॉर्मेंस में डिफरेंस। तो ये दोनों iPad, iPad 10.2 एंड iPad mini 5 दोनों ही आते हैं A12 बायोनिक चिप के साथ, जो बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर है, जिसकी वजह से इनकी परफॉर्मेंस बहुत ही सिमिलर देखने को मिलती है एज कम्पेयर टू iPad 7 Gen, जिसमें A10 बायोनिक चिप आता था। अब बात करते हैं PUBG के बारे में। अगर आप PUBG मोबाइल प्लेयर हैं तो 10.2 इंच में 90 FPS देखने को मिलता है, बट उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे क्योंकि iPad 8 Gen एंड iPad mini 5 दोनों की डिस्प्ले 60 Hz को सपोर्ट करती है, उसे ज़्यादा नहीं करती है। तो ये फीचर PUBG ने प्रोवाइड किया है या बग है कोई श्योर नहीं है, बट iPad 8 जनरेशन में ये फीचर अवेलेबल है। PUBG दोनों ही iPad में बहुत स्मूथ चलता है, रेंडरिंग काफ़ी अच्छी होती है, आप इन दोनों गेम में अल्ट्रा ग्राफिक तक का यूज़ कर सकते हैं, आप गेम रिकॉर्ड करके इसमें एडिटिंग कर सकते हैं या थर्ड पार्टी ऐप जैसे लीमर फ्यूजन, जो कि बहुत पावरफुल सॉफ्टवेयर है, उसका भी यूज़ कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप 4K वीडियो एडिटिंग के लिए इन दोनों में से किसी भी iPad को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपको कौन सा लेना चाहिए। अगर आप जायरो प्लेयर हैं, PUBG प्लेयर हैं और आपको कन्वीनियंटली जायरो यूज़ करना है और आपको डिस्प्ले थोड़ा सा बेटर क्वालिटी का चाहिए, तो आपको स्क्रीन साइज़ के साथ थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा और आप iPad mini 5 के साथ जाना चाहिए। और अगर आप मूवीज़ देखते हैं, बड़ी स्क्रीन चाहते हैं और नॉन जायरो PUBG प्लेयर हैं, तो आपको iPad 10.2 इंच के साथ जा सकते हैं। आप दोनों ही iPad से अपना गेम प्ले रिकॉर्ड कर सकते हैं या स्ट्रीम भी कर सकते हैं विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल फ्रेम। ये बहुत पावरफुल iPads हैं। दोनों ही iPad Apple Pencil फर्स्ट जन को सपोर्ट करते हैं और Apple Pencil का प्राइस 8,500 के अराउंड है। मार्केट में उसके अल्टरनेटिव भी अवेलेबल हैं। आप इन दोनों ही iPad में नेट सर्फिंग, नोट टेकिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो एडिटिंग, डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, ऑनलाइन क्लासेस, ड्राइंग बड़ी ही आसानी के साथ कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्राइस की। तो मैंने ये iPad Flipkart से बिग बिलियन डे सेल में ऑर्डर किया था, जिसमें मुझे 5,000 रुपये का डिस्काउंट मिला था, यानी कि मुझे ये 30,000 का पड़ा है और 30,000 में मुझे ये 64 GB मिला है। वहीं iPad 8 Gen आपको सेम प्राइस में 32 GB मिलता। मुझे iPad mini 5 लेना था क्योंकि मुझे अच्छी डिस्प्ले और जायरो यूज़ करना था और मेरे लिए ये बहुत कन्वीनियंट है और मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसकी रेंडरिंग से बहुत ज़्यादा खुश। मैं इसमें स्ट्रीम करता हूँ, इसमें वीडियो प्ले करता हूँ, वीडियो एडिटिंग करता हूँ, पबजी खेलता हूँ। तो कैसा लगा आपको ये रिव्यू, कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका होस्ट मैक्स और आप देख रहे थे द रेजिस्टेंशियल। थैंक यू।